तो हमने स्काई ब्लॉक पर स्पॉन होने के बाद काफ़ी सारी टर्ट्स को कलेक्ट करा और उनसे अपने बेस को एक्सपेंड करने की ट्राई करा, लेकिन उस कोशिश में हम गिर गए और हमारे हार्ट काफ़ी गंदी तरीके से जा रहे थे दो दो कर कर। कोई बात नहीं, रेंडम ब्लॉक पर कभी तो हमें चेस्ट मिलती और कभी दिवाली मननी थी। तो विजिट माय चैनल, ये टेरामिटस वाला नहीं। तो गाइस फटाफट हमने यहाँ पे बेस को एक्सपेंड करने का कार्य फिर से चालू कर दिया। हम यहाँ पर इकले नहीं थे, हमारे साथ यहाँ पर एक विचित्र प्राणी भी थे जिनकी कृपा से हमें यहाँ पर अल्टीमेट पेड़ उगाने की ताकत मिल चुकी थी। तो हम उगाते हैं इसको और ये टैप बेस पर विचित्र प्राणियों की भरमार कुछ ज़्यादा होने के कारण हमने बेस को और एक्सपेंड करना चालू कर दिया। पता नहीं वो सारे विचित्र प्राणी कहाँ गए, लेकिन हमारा बेस काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये लड़की का कैरेक्टर कहाँ जाए बे, हटाओ इसको। पेड़ उगाने के लिए हमने यहाँ पर एक अलग ही बेस बनाया, क्योंकि हमारे बेस काफ़ी छोटा था, तो पेड़ उगाने के लिए हमने एक अलग जगह बनाई जहाँ पर हम अच्छे से पेड़ उगा सकते हैं और उनकी सैपलिंग्स कलेक्ट करके हम और पेड़ उगाएंगे। बोन मील का यूज़ करके हमने काफ़ी जल्दी पेड़ों को ग्रो करने का ट्राई करा और उससे एक पेड़ ग्रो भी हो गया, लेकिन सेकंड वाला कुछ दिक्कत कर रहा था, लेकिन बाद में हमने सॉर्ट आउट कर दिया। दोनों पेड़ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी सैपलिंग्स को हम ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकते, हमें बेस को एक्सपेंड करना होगा। उसके लिए हमें लगातार ये ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें नए रेंडम ब्लॉक्स और मिलेंगे। एक और चेस्ट आई है जिसके अंदर हमें एक नई सैपलिंग और मिल गई है, मतलब हम नए तरह के पेड़ और उगा पाएंगे। गाइस बेस पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हो चुके हैं और इन सबको कैद करने के लिए हमें एक फार्म बनाना पड़ेगा जिनके अंदर हम इन्हें कैद कर दें और इनसे मिली हुई वूल से हम एक बेड बना पाएं। जैसे ही मैंने लैंड एरिया को बड़ा कर दिया, फिर मैं उसके बाद एनिमल्स को पकड़ने के लिए जाता हूँ। वहाँ पर बस मेरे को केवल एक शीप और एक पिगी दिखता है, मतलब बाकी एनिमल्स खुद डिस्पॉन हो चुके हैं या फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे को घेर दिया है। लेकिन गाइस चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मुझे उसके अगले बाद ही यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर मुझे काफ़ी सारी वुड मिल जाती है। तो मैं इसको फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ और इन सब वुड की मैं जल्दी से प्लैंक्स बना लूँ, क्योंकि हमें घर के ऊपर भी तो काम करना है। 3 स्टैक प्लैंक होने के बाद हम बेस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। फाइनली गाइस हमारा आधा बेस बनकर रेडी हो चुका है और अभी भी हम पे 2 स्टैक यहाँ पे प्लैंक बचे हुए हैं। लेकिन हम बोर हो रहे थे तो हम कुछ देर बाद फिर से रेंडम ब्लॉक्स के ऊपर चले जाते हैं। गाइस हमें वहाँ पे सबसे लकी चीज़ मिलती है कि हमें हम खुद का वाटर मिल चुका है, वाटर बकेट, जिससे अब हम खुद फार्मिंग कर पाएंगे, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे। तो फटाफट इस चेस्ट को क्लेम करते हैं और यहाँ चेस्ट में से दिल निकल रहे हैं, तो भाई वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना। फटाफट गाइस हम आधे बेस पर फिर से काम स्टार्ट कर देते हैं। गाइस हमारा बेस बनकर रेडी हो चुका है और अगर आपको ये बेस अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये काफ़ी बड़ा बेस बनाया है हमने घर के हिसाब से, फिर भी घर को हम कंटिन्यू करते हैं बनाने के लिए। गाइस तो चारों तरफ के पिलर्स हम ऐसे खड़े कर देते हैं, बिल्कुल 4-4 के हमने 4-4 ब्लॉक्स ऊपर के यहाँ पे पिलर्स खड़े कर दिए हैं और फिर बाद में हम इनको मिला देंगे। मतलब अभी आप समझोगे नहीं, लेकिन अभी जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो आप देखना। अभी ये 4 पिलर बन गए, अब हम इसको मिला देते हैं। देखो भाई, जो मैंने मिलाने को कहा था वो बॉक्स को जैसे थे, अब ये पूरा स्क्वायर बन चुका है। बस इसमें थोड़ी डिटेल्स थी वो मैंने बाद में कर दी, बस एक दो ब्लॉक इधर उधर हो रहे थे, लेकिन अभी एकदम परफेक्ट है। अब इस पे काम बाद में करते हैं, पहले माइनिंग पे चलते हैं अपनी। तो भाई हमने फिर से यही माइन स्टार्ट कर दी है। ये माइन करते करते भाई एक बार बेड रॉक भी आ चुका है। और गाइस तुमको बेड रॉक आने का मतलब पता है, गेम का फेज 2 चालू हो चुका है। फेज 2 का मतलब है अब हम केव्स से जुड़े हुए जो सामान है ना, रिसोर्सेज, वो कलेक्ट कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फेज 2 के साथ, देखते हैं उसमें हम क्या कमाल मचाते हैं। अभी हमने फेज 1 में यहाँ पे अपने घर का काम चालू कर दिया और यहाँ पे अच्छा खासा बेस बना दिया है। फेज 2 का मैं छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूँ आपको, जो कि सिनेमेटिक व्यू के साथ है।